तो ब्रेकफास्ट में देखिए आज हम क्या बना रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है नाइट में चावल बनाए थे तो वो बचे हुए हैं, आज इनका हेल्दी नाश्ता बनाऊंगी मैं। और ये गाजर है, मटर है, हरी मिर्च है दो, और थोड़ी सी गोभी और एक टमाटर, इनको मैंने कट कर लिया है। अब चलिए गैस ऑन कर ली है, कढ़ाई रख दी है, और इसमें डालती हूँ सरसों का तेल। ओके, हेल्दी होता है सरसों का तेल, मैं हर चीज सरसों के तेल में बनाती हूँ, सब्जियां पुलाव भी इसमें चौंकती हूँ। गरम हो जाए, थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं हींग, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, अब डालूंगी इसमें गाजर, गोभी, गाजर में गोभी, गाजर डाल देती हूँ, मटर और धनिये को दे दी, टमाटर को चिकन डाल देती हूँ, अब डालूंगी मैं नमक अपने स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी डालूंगी मैं हल्दी, बहुत हो गई थोड़ी देर के लिए, ऐसे ऐसे ही ढक्कन रख दूंगी, दो मिनट के लिए, उसके बाद मैं देखती हूँ। देखिए दो मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, इसमें थोड़े से मसाले और डाल देती हूँ, है चाट मसाला आधा चम्मच, लाल मिर्च मैंने कम डाली है क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाल दी है तीन, ज्यादा तीखा ना हो जाए इस कारण लाल मिर्च थोड़ी सी कम डाली है। अब डाल देती हूँ इसमें चावल, अगर आपके पास चावल बच जाते हैं तो उनको इस तरीके से नाश्ता बनाकर, और हेल्दी नाश्ता बन जाता है, बनाकर आप खा सकते हैं और खिला सकते हैं, बच्चे भी बड़े प्यार से खाएंगे अगर आप ऐसे खिलाएंगे। मिर्च कम डालिएगा, अगर आपके बच्चे मिर्च नहीं खाते हैं तो मिर्च सारी मिर्च नहीं डालिएगा। इसे दो मिनट के लिए और ढक देती हूँ, और बिल्कुल स्लो फ्लेम है, देखिए दो मिनट हो गए, अब इनको दम भी लग गई है, परफेक्ट है।
अब इनको सर्व करती हूँ। ये बन गया वेज पुलाव। और आप फ्रेंड्स इसमें आलू भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है, आलू भी पड़ सकते हैं इसमें। फ्रेंड्स मैं इसमें डाल रही हूँ घी, अपने घर का बना हुआ शुद्ध घी। देखिए इसको चाहे अचार से खाइए, चाहे चटनी के साथ खाइए, बस पूरा बनकर रेडी है, हेल्दी नाश्ता। देखिए फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट बनकर रेडी है। तो आप भी आपके अगर आपके घर पर चावल बचते हैं तो आप ऐसे बनाकर खिला सकती हैं, जो बहुत सभी को बहुत पसंद आता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट भी। थैंक यू।